तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जब भी हम कोई एक्सटर्नल एडाप्टर अगर हम अपने डिवाइस में लगाते हैं, ठीक है, तो वो डिटेक्ट नहीं होता भले ही हमारे डिवाइस में कस्टम कर्नल डला हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डिवाइस है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो कर्नल वर्जन है वो दिखा देता हूँ। मेरे डिवाइस में जो कर्नल है वो कस्टम कर्नल डला हुआ है, ठीक है, फिर भी जो मेरा डिवाइस है वो जो एक्सटर्नल एडाप्टर है उससे डिटेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा जो कर्नल वर्जन है ये कस्टम कर्नल डला हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको मैं टेस्ट करवा देता हूँ कि जो मेरा एक्सटर्नल एडाप्टर है, वाईफाई एडाप्टर है, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये एक्सटर्नल टीपी लिंक का वाईफाई एडाप्टर है, तो यहाँ पर मैं आपको इसे अपने डिवाइस में यहाँ पे इसे मैं अटैच करूँगा और आपको यहाँ पर मैं टेस्ट करवा के भी दिखा दूँगा कि ये डिटेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने काली नेट हंटर एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे ही मैं मॉनिटर मोड स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा एडाप्टर है वो डिटेक्ट नहीं हुआ। तो अभी हम इस एरर को फिक्स करेंगे। तो इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप आएँ मैजिस्क मैनेजर में और यहाँ पर आप नीचे आए मॉड्यूल्स में। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और यहाँ पर आप सर्च करें वायरलेस फर्मवेयर फॉर नेट हंटर। तो यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अभी आप इसे डाउनलोड करें यहाँ से। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल होगा। तो आपको सिर्फ अपने जो डिवाइस है उसे रीबूट करना है। तो यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है मैं उसे रीबूट करता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये जो डिवाइस है वो बूट हो और उसके बाद फिर से हम इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो एडाप्टर है वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो बूट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली जो मेरा डिवाइस है वो बूट हो चुका है। तो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जो एडाप्टर है उसे अटैच करता हूँ अपने डिवाइस में और अभी फिर जाता हूँ मैं नेट हंटर एप्लीकेशन में और वहाँ से इसे जो मॉनिटर मोड है उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कस्टम कमांड्स में। यहाँ पर नीचे जो स्टार्ट वाई लाइन वन मोनिटर मोड इसको मैं स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर रन कर दूँगा इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वाईफाई अडाप्टर है वो डिटेक्ट हो चुका है और मॉनिटर मोड में भी जा चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे करके जो आपका डिवाइस है तो इसमें तो उसे आप डिटेक्ट करवा सकते हैं अगर वो डिटेक्ट नहीं होता तो। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखें।